हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, सो इन लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, सो देयर आर टू टाइप ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, दैट इज कॉपर लॉस एंड द आयरन लॉस। ओके, और आल्सो कॉल्ड एज द कोर लॉस। ओके, राइट। सो टुडे वी विल सी द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ओके, सो ideally the secondary terminal voltage V2, that is load voltage of a transformer, remains constant, that means it is independent of load curve. Okay, but practically the load voltage decreases with increase in the load current IL. okay, so what we see, what is no load voltage? Okay, so no load voltage kya hai, it is a secondary terminal voltage corresponding to zero load current. ओके, फॉर अ ट्रांसफार्मर। सो जीरो लोड करंट कब होगा, व्हेन नो लोड इज कनेक्टेड ऑन द सेकेंडरी, देन लोड करंट क्या होगा, जीरो होगा। ओके, नाउ यहाँ पे हमें पता है कि प्रिंसिपल वर्किंग। ओके, जब हम क्या करते हैं, नाउ ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, सो प्राइमरी वाइंडिंग में हम सप्लाई देते हैं, उस सप्लाई की वजह से, एसी सप्लाई की वजह से क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। एंड ड्यू टू दैट अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है कि एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स मैग्नेटिक कोर से पास होता है। ओके, नाउ दिस मैग्नेटिक कोर व्हेन लिंक्स विद द प्राइमरी, ओके, इट विल इंड्यूस द ईएमएफ E1 इन द प्राइमरी वाइंडिंग। ओके, एंड व्हेन दैट फ्लक्स लिंक्स विद द सेकेंडरी वाइंडिंग, तो वहाँ पे क्या होता है, E2 ईएमएफ इंड्यूस होता है। ओके, नाउ इफ लोड हम कनेक्ट करते हैं ऑन सेकेंडरी साइड, दैट मीन्स व्हेन वी प्रोवाइड अ क्लोज पाथ फॉर सेकेंडरी, ओके, सो देर विल बी अ लोड करंट, दैट इज I2। ओके, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि लोड इज नॉट कनेक्टेड, तो लोड करंट क्या होगा, जीरो होगा। लोड करंट जीरो है, दैट मीन्स टर्मिनल वोल्टेज V2 जो हम ले रहे हैं, V2 शुड बी इक्वल टू इंड्यूस EMF E2। सो नो लोड वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा, इट शुड बी इक्वल टू E2 वोल्ट्स। ओके, नाउ फुल लोड वोल्टेज मीन्स वॉट, नाउ लोड इज कनेक्टेड ऑन द सेकेंडरी, सो इट इज द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू द स्पेसिफाइड लोड करंट डिनोटेड बाय V2। ओके, अब हम लोड कनेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स सम करंट विल फ्लो थ्रू द सेकेंडरी साइड, दैट इज कॉल्ड एज द लोड करंट। ओके, एंड देन द वोल्टेज विल डिनोटेड बाय द V2, दैट इज द टर्मिनल वोल्टेज V2। नाउ वी सी द डेफिनेशन इज इम्पॉर्टेंट हियर। So it is defined as what? It is defined as the change in secondary terminal voltage V2 from no load to full load with primary source voltage V1 and temperature of transformer is maintained constant. Okay, what is it? It is the change in secondary terminal voltage V2 from no load, means pehle load nahi connected hai, then load connected hai. Okay, with primary source voltage V1 is constant, also temperature of transformer is maintained constant, right, and that is given by percentage voltage regulation is equal to E2 minus V2 divided by E2 into 100. Okay, so it is the E2 is the no load voltage, V2 is the load voltage. Okay, so thus with increase in the load current, the value of V2 decreases and percentage regulation increases. Okay, so with increase in the load current, V2 value क्या हो रही है, decrease हो रही है, so this voltage regulation क्या हो रहा है, increase हो रहा है, that increase voltage regulation means what, it is the poor regulation. Okay, because ideal value of voltage regulation is what, it is zero, so if voltage regulation is increases, that means it is poor regulation. Okay, now what is the reason for reduction in voltage? Okay, so load current जब हम increase करते हैं तो voltage में reduction क्यों होता है? Okay, so the drop in secondary terminal voltage takes place due to the voltage drop taking place across the primary and secondary impedances. Okay, so क्या हो रहा है, when the load current increases, जब load current increase होता है तो voltage drop across the impedance भी क्या होता है, increase होता है. Okay, एंड उसके वजह से क्या होता है, दिस विल रिड्यूस द V2 विथ इंक्रीज इन द लोड करंट, उसके वजह से क्या होता है, V2 रिड्यूस होता है. ओके, सो दिस इज द रीजन फॉर रिडक्शन इन वोल्टेज. नाउ दिस V2
value does not depends only on the magnitude of load current, but it is also depends upon the type of load. ओके सो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, इट इज डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लोड. टाइप ऑफ लोड मीन्स यू नो रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड. ओके सो वी टू क्या होता है, वी टू डिक्रीज होता है फॉर रेजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड. ओके सो वी टू डिक्रीज होता है फॉर रेजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड. वी टू क्या होता है, इंक्रीज होता है इफ लोड इज कैपेसिटिव. ओके सो दिस इज द ग्राफ ऑफ रेगुलेशन. Okay, so this is the terminal voltage V2, this is the no load current, right? So here IL is equal to 0 for no load, so at no load, okay, so V2 is equal to E2, okay? So this is ideally V2 remains constant, is irrespective of the load. This is for capacitive load, V2 kya ho raha hai? Increase ho raha hai. And for inductive and resistive load ke liye kya ho raha hai? Ye V2 decrease हो रहा है. ओके सो दिस इज द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर. ओके एंड हियर डेफिनेशन एंड दिस ग्राफ इज इम्पॉर्टेंट. ओके थैंक यू.